काफी होशियार आदमी है। अगर ये एक्सपर्ट ड्राइवर हमारी गैंग में आ जाए तो हमारी काफी मुश्किलें आसान हो सकती हैं। क्यों ना हम बॉस की वापसी पे ये तोहफा उसे पेश करें? ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। गोपाल को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। कई बार मेरा कैबरे देखने क्लब आ चुका है, और फिर ऐसे आदमी को अपने जाल में फंसाना ज्यादा मुश्किल काम नहीं। हाय, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। मुबारक हो। क्या ड्रामेटिक रेस जीत कर आ रहे हो? ठहरो, मैं वही आती हूँ। ड्राइवर, कितने पैसे? 2 रुपए 30 पैसे। अरे यार, क्या टेंशन क्रिएट कर दिया तुमने, कमाल कर दिया यार। जी मिस्टर गोपाल। ओ, रेखा, कहाँ तक बचोगे? माफ करना रेखा, मैं जरा जल्दी में था और अचानक वो ग्रीन सिग्नल भी हो गया था। तुम कईयों को लाल झंडी दिखा चुके हो और आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पार्टी होके रहेगी। पार्टी क्या, शानदार पार्टी होगी साहब। लेकिन यार वो 3 cheers for Mr. Gopal। हिप हिप हुरे। चमन दिल रुबा शोला बदन, तू नजर में समा गई तो दिल पर डालूंगा गले लग जा। ओ मेरी चल परी नयू शर्मा, ओ मेरी जान ए किट्टी, ऐ मेरी जाने चमन दिल रुबा शोला बदन, तू नजर में समा गई तो दिल पर डालूंगा गले लग जा। ओ मेरी चल परी नयू शर्मा, ओ मेरी जा ए किट्टी। दिल वाले हम ही तो हैं, चले भी आए राहों में, एक समा प्यार भरा मचल के आ जा बाहों में। वाले हम ही तो हैं, चले भी आए राहों में, देख समा प्यार भरा मचल के आ जा बाहों में। है ये लचक हाँ, है ये महक हाँ, यहाँ मैं यहाँ तू, ऐ तितली मैं
मेरी तूने मुझको तो मारा। है मेरी जाने चमन दिल रुबा शोला बदन, तू नजर में समा गई तो दिल बना लूंगा गले लग जा। ओ मेरी जल परी नयू शर्मा, ओ मेरी नजर समझ ले दिल की बातों को, जान जरा इश्क है क्या सजा दे कोरी रातों को। ऐ जाने दे दरा अलबेली शोक नजर समझ ले दिल की बातों को, जान जरा इश्क है क्या सजा दे कोरी रातों को। ऐ फुलझड़ी हरी गिरा मैं चला मैं खिली कली मुझको दे दे सहारा। ऐ मेरी जाने चमन दिल रुबा शोला बदन, तू नजर में समा गई तो दिल बना लूंगा गले लग जा। ओ मेरी जल परी नयू शर्मा, ओ मेरी जा ए तेरा मधुर गुलाबी साड़ी है, बाल तेरे नागन से अदा है जो भी प्यारी है। मस्ताना बदन तेरा मधुर गुलाबी साड़ी है, बाल तेरे नागन से अदा है जो भी प्यारी है। दिल मेरा तेरा हसी तू जवां मैं, बिजली मेरी कोई कर दे इशारा। ऐ मेरी जाने चमन दिल रुबा शोला बदन, तू नजर में समा गई तो दिल बना लूंगा गले लग जा। ओ मेरी जल परी नयू शर्मा, ओ मेरी जा ए कुकु। बड़ा जादू करे, मुझे भी चक्कर दे गया। खैर बच के जाएगा कहाँ। रेखा अभी तो हमें अपने आप को बचाना है, एक और मुसीबत आन पड़ी। वो क्या? इसे पहचानती हो तुम? ओ वही अपना नया पंछी, क्यों उड़ने की कोशिश कर रहा है? हाँ वो हम सबको खत्म करना चाहता है। इससे पहले कि पुलिस स्टेशन पहुंचे हमें हर हालत में उसे खत्म करना है। प्रभाकर तुम रेखा को सारा प्लान समझा दो, मैं अड्डे पे तुम्हारा इंतजार करता हूँ। ओके क्या सोच रहे हो उस्ताद? प्रभाकर जब से मैं तुम लोगों की गैंग में आया हूँ एक तुम ही हो जिस पर मुझे पूरा भरोसा है। अब मैंने फैसला कर लिया है कि इस जाल से निकल जाऊंगा। मैं भी इस जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। अगर सचमुच तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों मिलकर इस गैंग का राज फाश कर सकते हैं। शायद कोई है? कोई नहीं है यार। तुम छुपकर हमारी बातें सुन रही थी? हाँ मैंने सब सुन लिया है। तुम लोग गैंग के साथ गद्दारी करना चाहते हो, मैं भी जाकर बॉस से कह देती हूँ। तुम्हें जाने कौन देगा? We'll be right back.
फिर कहाँ जाओगी? ये तो बच जाएगी लेकिन तुम नहीं बच सकोगे मिस्टर। तुम समझते हो हमसे गद्दारी करके बच जाओगे? हमारी गैंग का राज पुलिस को बताने वाले को हम कुत्ते की मौत मार डालते हैं। के पास अधूरी बनी हुई बिल्डिंग में अब मगर आप कौन है? हेलो 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 मिस्टर गोपाल, आप अपने आप को हमारी हिरासत में समझिए। आप पर खून का इल्जाम है। खून? जी हाँ, कत्ल। बॉम्बे एयरपोर्ट हाईवे के पास एक अधूरी बिल्डिंग के अंदर एक नौजवान लड़के की लाश पाई गई और उस लाश के पास आपका ये गोल्ड मेडल। तो वो मर गया? सच मानिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा इरादा हरगिज ये नहीं था। हवलदार, मेरी बात का यकीन कीजिए, वो लोग एक मासूम लड़की की इज्जत लूटना चाहते थे। रेखा की चीख सुनकर ही मैं उस बिल्डिंग में दाखिल हुआ और जब देखा तो लगता है आप लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा। लेकिन मिस्टर गोपाल, इस किस्म की कहानी हमें रोज सुनने को मिलती है, किस पर यकीन किया जाए और किस पर नहीं। मगर मैं सच कह रहा हूं। हम कब कह रहे हैं कि आप झूठ कह रहे हैं? तुम अपने जुर्म का इकबाल करते हो। तुमने उस लड़के का खून किया। मैं नहीं जानता था कि वो मर जाएगा। उस लड़के को कब से जानते हो आप? आज से पहले तो कभी देखा भी नहीं। सच? ओ, ये हकीकत है, मैं कह चुका। तुम बहुत कुछ कह चुके, तुम मान चुके कि कब तुमने किया, मगर क्यों 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 किया? इसलिए कि दो लड़के मिलकर एक लड़की की इज्जत लूटना चाहते थे। उस वक्त तुम वहां पहुंचे और उस लड़के की इज्जत बचाते बचाते लड़के के सीने में आराम से गुप्ती उतार दी। नहीं। हाँ, और उसके बाद भी तुम हमें यकीन दिलाना चाहते हो कि तुम्हारी इस मनगढ़ंत और झूठी कहानी पर हम यकीन कर ले। हाउसली, जरा ठहरिए। क्या लाश के सीने में गुप्ती पाई गई थी? क्या किसी ने उसे गुप्ती से कत्ल किया था? किसी ने नहीं, तुमने। तुम मान चुके हो? नहीं, तब मैंने उसका खून नहीं किया। मेरे हाथ में गुप्ती नहीं थी, उसके साथी के हाथ में गुप्ती थी। उसने उस गुप्ती से मुझ पर भी हमला किया था। मैं उस आदमी को अच्छी तरह से पहचानता हूं जिसने कत्ल किया। एक और झूठी कहानी। इंस्पेक्टर साहब को हवालात में बंद कर दो। मिस्टर गोपाल, मुझे आयंगर कहते हैं, वीपी आयंगर, वकालत करता हूं। जानते हो जिस लड़के का खून तुम्हारे हाथ से हुआ कौन था वो? नहीं, यही तो बताने आया हूं। गंगाराम का नाम सुना है कभी तुमने? गंगाराम, जिसका नाम बंबई की पुलिस तो क्या बड़े बड़े गुंडे और बदमाश उसका नाम लेते ही राम राम जपने लगते हैं। गंगाराम सिर्फ नाम का ही गंगाराम नहीं, एक मुजस्सिम दहशत है, एक ताकत है। बेवकूफ, उसके भाई का खून करके तुमने खुद अपनी मौत को दावत दी। तो वो
गंगाराम का भाई था? हाँ, गंगाराम का अपना एक असूल है, अपना एक कानून है। उसने फैसला किया है इससे पहले कि हुकूमत का कानून तुम्हें कोई सजा दे, वो तुम्हें खुद अपने हाथों से मौत के घाट उतार देगा। उसके कानून में यही एक दस्तूर है, तुम चाहे हुकूमत की कानून की जद से बच जाओ, मगर गंगाराम के कानून की जद से बच नहीं सकोगे बरखुरदार। लेकिन 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 कुछ नहीं साहबजादे, उसने तय कर लिया है कि आज अदालत के कटहरे में खड़ा होने से पहले तुम ऊपर वाली अदालत में पहुंच चुके होगे। गंगाराम अपने छोटे भाई के खून का बदला तुम्हारे खून से लेकर रहेगा, और आज रात इसी मकसद के लिए वो जेल की दीवारें तोड़कर भाग चुका है, और अब वो तुम्हारे पीछे है। सकाराम, मोहम्मद अली, गोपाल, चला बिठा इसको अंदर, चला। उस पुलिस वैन को फॉलो करो। तुम हवालात से जिंदा जरूर निकलोगे, मगर अदालत तक जिंदा नहीं पहुंचोगे। गंगाराम अपने छोटे भाई के खून का बदला तुम्हारे खून से लेकर रहेगा, और इसी मकसद के लिए गंगाराम जेल से भाग चुका है, अब वो तुम्हारे पीछे है, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे पीछे। क्या होगा गाड़ी जल्दी चलाओ। गंगाराम अपने छोटे भाई के खून का बदला तुम्हारे खून से लेकर रहेगा, और इसी मकसद के लिए गंगाराम जेल से भाग चुका है, अब वो तुम्हारे पीछे है, तुम्हारे पीछे है, तुम्हारे पीछे है। सकाराम, ढोंडो, मोहम्मद अली, यूसुफ, गोपाल, खामोश। मैं ये नहीं सुनना चाहता कि तुम नाकाम लौटे हो। बस ना जाने वो पुलिस की वैन से कहां भाग गया। वो भाग गया और तुम अपनी मनहूस सूरत मुझे दिखाने चले आए। सुशी, बस मुझे एक बात कहना। एक गलती हो चुकी, दूसरी गलती करना मेरा उसूल नहीं। बंधन, शहर का चप्पा चप्पा छान डालो, मुझे हर हालत में उसे खत्म करना है, ये मेरा फैसला है। गो। चलो मेरी मेरी जान, अब यहाँ खड़ी सोच क्या रही हो, तुम्हारे इसमें पार्टी को ज्वाइन किया, अब लगता है जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। शट अप इसीलिए। हाय मेरी बिल्ली। बीच सड़क में खड़ा है क्यों, मरने का इरादा है क्या? अरे मक्खन, मैंने तो तेरा इरादा पूछा था, ये तो नहीं कहा था झट से ट्रक में बैठ जाओ? तो शायद पुलिस की गाड़ी तेरी ही तलाश में थी। इधर उधर देखने की कोशिश मत करो, चल चलो जल्दी। बड़े बहादुर हो, हाथ मत करिए। मैं हाथ करिए तो बहुत कुछ हो सकता है, तुम्हारी मौत भी हो सकती है, चल चलाओ वरना। अच्छा ले चलता, चलो। श्वान साहब, कहाँ जाना है? बमरा साहब, जानता नहीं हाईवे से जाना मना है,
पोरबंदर रोड से जाओ। ठीक है साहब, लाल साहब। अच्छा जाओ। जानते हो घोड़बंदर रोड पर जाने से क्या होगा? क्या होगा? रास्ते में बैरियर आता है। तो क्या हुआ? अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, मगर बैरियर पर जरूर कुछ होगा। मैं कहता हूं बैरियर तोड़ दो, निकल जाओ। क्या? देखो मिस्टर, बात हो चुका है, अब आगे नहीं जाऊंगा। अब जाऊंगा तुझे साथ लेकर नहीं जाऊंगा। उतर। मैं कहता हूं ट्रक चलाओ। वो देखो कांस्टेबल हमारी तरफ आ रहा है, चलाओ ट्रक। मैं कहता हूं ट्रक से नीचे उतर जाओ। क्यों नहीं मानोगे? ट्रक का नंबर लिया तुमने? जी हां, बैरियर कांस्टेबल ने बताया है वो MRT 4780। तलाश करो और जो उसे पनाह दे मार डालो, खत्म कर दो, किल हिम। ट्रक को कच्चे रास्ते पर मोड़ ले, मंजिल आ गई। तुम यहां रहते हो? नहीं। नहीं? फिर तुम मुझे यहां क्यों लाए? बताओ क्यों लाए? इसलिए मिस्टर कि ये कॉटेज मेरी अपनी है। वैसे मेरी रिहाइश पंजे में है। गोवा में? हाँ, सामान लाने ले जाने के सिलसिले में मैं कभी कभी आराम के लिए इस कॉटेज में रुक जाता हूँ। वैसे ये सारी जमीन भी मेरी है। और ये तस्वीर? ये भी अपनी है, मेरी छोटी बहन की तस्वीर है, बेचारी की नमा है, नबा। और ये क्या हुआ इसे? मुद्दत हुई, एक दिन इस कार्ज के बाहर मछली का शिकार करने के लिए गई थी, आज तक वापस नहीं आई। न जाने कौन सी बौजों का शिकार हो गया। तब से लेकर आज तक जब भी मैं इस रास्ते पंजन जाता हूं मैं यहां जरूर रुकता हूं, इसी उम्मीद पर कि शायद किसी ना किसी दिन कभी ना कभी मेरी बहन शिकार से वापस लौट आए। क्या कह रहे हो? उसी नदी के किनारे जहां पर मैंने अपनी मासूम बहन को आखिरी बार देखा था। क्या मैसेज है? बस हमारे आदमी उसका पीछा बुरी तरह से कर रहे हैं। जिस ट्रक ड्राइवर ने उसे पनाह दी है उसके कॉटेज का पता चल गया है। हमारे आदमी हर मोड़ पे फॉलो कर रहे हैं। गुड, वेरी गुड। का तूफान आने वाला है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं मंजू। भैया कैसी हो? ठीक हूँ भैया। आपकी तारीफ? इसकी? अरे इसकी तारीफ पूछने की क्या जरूरत है, हाथ में लगी हथकड़ी नहीं देख रही है? बड़ा ही बहादुर मुजरम है, मगर आज इसकी बहादुरी एक मेरी छोटी सी कहानी के सामने छू हो गई। छू? अच्छा? कहानी? तो ये सब एक कहानी थी? क्यों, पसंद आई? मंजू तू ऐसे कर मछली कबाब बना ले, मुझे तो बड़े जोरों की भूख लगी और शायद इसको भी। जा। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? यही कि मंजू क्या पर
सचमुच का जुर्म करके दिल को तसल्ली दे लेता है, मैं लोगों को चौंका देने के लिए झूठ मूठ की कहानी बना के अपने दिल को तसल्ली दे लेता हूँ। अपना अपना शौक है प्यारे। वैसे मक्खन, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मैं हजार बार कह चुका हूँ कि मैंने भी कोई जुर्म नहीं किया। अगर दोबारा तुम्हारी जबान से इस किस्म के अल्फाज आए तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, तुम्हारा गला घोट दूंगा। मंजू, अंदर से कुल्हाड़ा ले आ। ये हथकड़ियां शायद तेरे हाथों को तकलीफ दे रही हैं, इनको काट देता हूं, फिर मेरा गला दबाने में शायद तुझे तकलीफ ना हो। मुझसे गद्दारी की और पुलिस को खबर कर दी तो उसकी कीमत तुम्हें अपनी बहन की लाश से चुकानी पड़ेगी। मंजू, तुम जाकर आराम करो। मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया तुमने? जब तक तुम मुझे मजबूर नहीं करोगे मैं तुम्हारी किसी को खबर नहीं करूंगा। जाओ सो जाओ। जाओ। घबरा नहीं प्यारे, मैं तुझसे वादा कर चुका हूं। फिर ये ट्रक लेकर कहां जा रहे हो? इस ट्रक को पुलिस की नजरों से छुपाना बहुत जरूरी है, तेरी भलाई के लिए। और अपनी भलाई के लिए याद रखना, तुम तो जा रहे हो लेकिन मंजू यही है। और वो बम जो उन्हें दिया गया वो तो अब तक उस कॉटेज में रख भी दिया होगा। मुझे तुम्हारे भैया से खतरा है, कहीं वो पुलिस को खबर ना कर दे। पुलिस 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 क्यों गुनाह करते हो जो हर तीन लफ्जों के बाद तुम्हारी जुबान पर पुलिस का ही नाम आ जाता है? सच मंजू, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। अगर तुम्हारी नीयत साफ है, मेरे कहने का मतलब है कि तुम शरीफ हो, तो पुलिस से इतना घबराते क्यों हो? पुलिस से नहीं मंजू, एक और ताकत है जो पुलिस से ज्यादा ताकतवर है। वो लोग मुझे हर हालत में खत्म कर देना चाहते हैं। क्यों खत्म कर देना चाहते हैं तुम्हें? तुम्हारी उनसे क्या दुश्मनी है? मेरी तकदीर ही मेरी दुश्मन है। आज मुझे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है और इस अंधेरे में आती हुई एक आहट, कौन जाने मौत का ये बढ़ता हुआ कदम जिंदगी की इस दीवार को कब आखिरी ठोकर मार दे। तुम हर वक्त या तो पुलिस की बातें करते हो या मौत की। हाँ मंजू, मेरी जिंदगी इन दो लफ्जों के दरमियान घुट कर रह गई है। पुलिस, मौत, मौत, पुलिस। मंजू, क्या
हो गया है तुम्हें? ये क्या कर रहे हो? तुम नहीं समझती मंजू, मेरी सारी मुसीबतों का हल यही लड़की है। अगर यह लड़की हाथ आ जाए तो मेरी सारी मुसीबतें दूर हो सकती हैं, असली कातिल का भी पता लग सकता है। भाग जाइए। सेठ जी बाबा,
अरे ये तुम दोनों ने क्या हाल बना रखा है? भैया वो अपनी कॉटेज है ना, है नहीं थी, दुश्मनों ने उसे उड़ा दिया। अगर हम मौके पर भागना निकलते तो हमारी लाशें मिलती। बरखुरदार तुम्हारा साथ हुआ है तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी की लाश जरूर मिलेगी। चल मंजू बैठ, चल मुसीबत तू भी बैठ। यकीन कीजिए बॉस कि हम लोगों ने बुरी तरह से उनका पीछा किया। कहिए तो बॉस, आप किस खामोशी से? तो सोजी अकेला था वो? बिल्कुल अकेला था जी। किस तरफ ट्रक लेकर गया है वो? किस तरफ गया? थैंक यू। कितनी अजब बात है, हमारी मुलाकात हुए 24 घंटे हो गए मगर मैं तुम्हें अपना नाम भी नहीं बता सका। मेरा नाम है, जरा पलट के देख। केड़ी में मुझे दे लो। अरे भाई तुम दे लो। खातर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपना ट्रक, अपनी रोजी, अपनी इज्जत, चले जाओ, हट जाओ। अब अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो मंजू बेहोश, इसे कहीं ले चलो, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा। ये मेरी जिंदगी है, मेरी उम्मीद है। तुम घबराओ मत, हमें हिफाजत की कोई जगह तलाश करनी चाहिए। वो देखो नीचे एक बस्ती है, हम इसे वहीं ले चलते हैं, वहां कोई ना कोई इलाज करने वाला जरूर मिल जाएगा। आओ चलो। MRT 4780 यही ट्रक था बॉस, शायद वो लोग भी इस ट्रक के साथ खत्म हो गए। नहीं, वो खत्म नहीं हुए, यहीं कहीं छुपे हुए, वरना ट्रक के साथ उनकी लाशें जरूर होती। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बॉस, और इस ट्रक के एक्सीडेंट में जख्मी भी कोई ना कोई जरूर हुआ होगा। बिल्कुल ठीक, और वो अपने जख्मी को लेकर ज्यादा दूर नहीं जा सकते। क्या जजमेंट है आपकी? फिर मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ तलाश करो, यहां का चप्पा चप्पा छान डालो, और तुम बिल्ली को लेकर स्टेशन पर पहुंचो, हर आने वाले पर नजर रखो, जाओ। ओके बॉस, मुझे हर हालत में उन तक पहुंचना है। मैं देखता हूं कि मेरे बिछाए हुए जाल से कैसे बाहर निकलते हैं।
मूसा। यस बॉस। सिंधी का डेरा है ना? मैं समझ गया। तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। इतनी जोर से चिल्ली लाची की बच्ची बाप का मान खाने रखा है क्या? मुझे क्या मालूम किस किस का मार छिपा रखा है और किस किस के। हाय लाची, मैंने भी तेरी तरह एक परदेसी के लिए छुपा रखा है। फर्क इतना है कि तेरा परदेसी आकर ऐसा गया कि फिर कभी लौटा ही नहीं, और मेरा परदेसी मेरा परदेसी कम वक्त अभी तक आया ही नहीं। सामने देख, वो आ रहा है। अरे हम तो बात कर रहे थे अंगूर की, तो आ रहा है लंगूर। जरूर मेरी तारीफ कर रही होगी। देख सलोनी, तुझे इतना बताने आया हूँ कि अगली पूनम को तेरी शादी मुझसे होने वाली है, और सरदार ने भी हाँ कह दिए। क्या? तो क्या कबीले में कोई और लड़की नहीं है? हाय हाय, लड़कियाँ तो बहुत है मगर तुझसे नहीं। हाय हाय, कबीले में जानवर तो बहुत से हैं पर तुझसा एक भी नहीं। देख सलोनी, इतना कह देता हूँ, एक दिन मैं ही तेरे काम आऊंगा, समझी? जाता है कि नहीं? जा। चला आता है रोज रोज, तुझसे ही शादी करूंगा। कभी शीशे में थोबड़ा भी देखा है अपना? कोई है यहाँ? कोई है? मुझे तो कुछ और ही दिखाई देता है प्रेमची। जी हमारे ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था, ये बेहोश हो गई है। अगर आप लोगों के पास कुछ दवा वगैरह हो तो। हम लोगों के पास सब कुछ है, दर्द भी है दवा भी है। क्यों? इसे खाने के अंदर ले चलो सलोनी, मैं बाबा को बुलाकर लाता हूँ। चलो ना अंदर, सोच क्या रहे हो, इसे भी ले चलो। तुम ले चलते हो या मैं उठाकर ले चलूं? नहीं नहीं, मैं ही उठाकर ले चलता हूं। बरसों बास का नमक खाया है हुजूर, आप लोग इत्मीनान रखिए। अगर आपका शिकार मुझ तक आन पहुंचा है तो फिर वो बच नहीं सकता। क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? नाम क्या है तुम्हारा? मैंने पानी मांगा था। मैंने नाम पूछा था। देखिए मुझे थोड़ा सा पानी दीजिए, मंजू बेहोश है। ओ, तो इसका नाम मंजू है। क्या लगती है तुम्हारी? मैं खुद ही पानी तलाश करता हूँ। तुम्हारी बीवी है? जी नहीं। नहीं तो तुम यही ठहरो, मैं पानी लाती हूँ। मंजू, मंजू, मेरी बहन, मंजू, मंजू, मंजू। अभी तक होश नहीं आया, वो लोग अपने सरदार को बुलाने गए, सुना है वो बैठ गया। ये कौन है? तुम? सलोनी, ये मंजू, इसका क्या नाम है? जरा भी देर कर दी तो लड़की क्या हो जाएगी? अरे भी जरा पीछे पीछे हट जाइए, लड़की को हवा आने दीजिए। चोट मामूली है। मामूली चोट है। दिल पर ज्यादा डर बैठ गया है। तुम्हें तो डर नहीं लग रहा ना? लेप लगाए देता हूँ, थोड़ी ही देर में होश आ जाएगा। यहाँ होश चला जाएगा। सरदार, सरदार, मेरी बहन को होश आ जाएगा, ये अच्छी हो जाएगी। बोलो अच्छी हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी, सब अच्छा हो जाएगा। आ,
गोपाल कहाँ जा रहे हो? मंजू कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हूँ। भैया कहाँ है? भैया शायद सो रहे होंगे। बड़ी प्यास लगी है। मैं अभी तुम्हारे लिए पानी ले आता हूँ, तुम आराम करो। जरा सुनिए। कौन है? मैं तो फिर ये कौन है? अरे तू, मैं तुझे अपनी अभी तक चमक चलो समझ रहा था। आपको क्या चाहिए? यहाँ पानी कहाँ से मिलेगा? पानी? कमाल, आप प्यासे से पूछ रहे हो पानी कहाँ मिलेगा? मरे चमक चलो, मैं आ गया। हाय, कभी भी नाम नहीं बताओगे क्या? नाम जानकर क्या करोगे? जादू करूंगी तुम पर। बचपन में बहुत कहानियां सुनी थी कि खाना बदोश लड़कियां लोगों को बस में करने के लिए जादू कर दिया करती हैं, मगर वो सिर्फ बचपन की कहानियां थी, सिर्फ कहानियां, हकीकत नहीं। हकीकत तो ये है कि हाय, तुम बहुत खूबसूरत हो। फिर? हाय, तुमको देखने के बाद अभी तक आंखों में एक नशा सा है, एक खाली सी है, कम वक्त नींद ही नहीं आती। फिर? तुम्हें भी नींद नहीं आ रही ना? नहीं। हाय, तुम भी बेकरार हो? तड़प रहा हूँ। हाय, तो फिर इंतजार किस बात का है? सिर्फ एक गिलास पानी का, जिसकी जरूरत अब मुझे इतनी नहीं जितनी तुम्हें है। अरे अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रही है सलोनी? तुझे मेरी कसम, अपने आप को ये रोक मत लगा, कुछ मुझे से ही सीख ले। रीलाची, जब तूने उस परदेसी से प्यार किया था तो क्या तू किसी से सीखने गई थी? हाय, अब तो ये आग भड़क उठी है, सात समंदर का पानी भी इसे ठंडा नहीं कर सकता। एरी, अब तो जो भी हो। हाय। हेलो, बहुत दूर निकल आए हो साहबजादे, मगर ये मत समझना कि तुम बच जाओगे। तुम दुनिया की हर आफत से बच सकते हो, मगर गंगा राम की दी हुई मौत से नहीं बच सकोगे। ये वो गोपाल पानी लेने गया था, अभी तक आ जाएगा। बाबा तू चिंता क्यों करती है, ले जा। चलो मगर क्या। मैंने सोचा बार बार पानी की जरूरत होती है, बार बार जाना पड़ता है, क्यों ना इस बार बार को शॉर्टकट में एक ही बार कर लिया जाए। मेरी चमक चलो, आज तू मेरा काम कर दे। देख तेरे इश्क में दिन ब दिन घटता चला जा रहा हूँ, कहीं घिसता घिसता अपने बाप से भी छोटा ना हो जाऊँ। बस तू मेरा काम कर दे। तो अंगूठी ला के देगा? दूंगा, जरूर दूंगा। ले, मैं आंखें बंद करता हूँ और तू मेरा काम कर दे। ओह, दे देना प्यार चमक चलो, तेरा आशिक है बेकरार। मांगा था प्यार, मिल गया थप्पड़, ऊपर वाले ये क्या है चक्कर? ओ आप, हाँ तेरे बाप, अबे गधे के बच्चे। बाबू, तेरे बाप ने भी कभी इश्क किया है? बेटा अपने बाप से भी दो कदम आगे बढ़ गया। बाबू पीछे हूँ बाबू। पीछे का बच्चा? मैं पूछता हूँ ये बाबू अभी तक जिंदा क्यों है? खत्म हो जाएगा। लेकिन कब? जब हमारे कबीले की इज्जत खाक में मिल जाएगी। बादल, शायद तुम अपना अंजाम भूल गए हो। अगर ये काम तुमसे नहीं होता तो मैं ही जाके पूरा किया देता हूँ। रुक जा बादल, ये काम मेरा है और इसे मैं ही पूरा करूंगा। लेकिन कब? आज की रात उसकी आखिरी रात होगी। तुम नहीं जानती, मुझे हर हालत में इस नौजवान को खत्म करना है। खत्म करना है, मगर क्यों? ये हमारा दुश्मन है।
मगर ये तो हमारा मेहमान है और मेहमान हम लोगों के लिए फरिश्ता होते हैं, तो क्या तुम एक फरिश्ते के खून से अपने हाथ रंगना चाहते हो? तुम नहीं समझती हो बेटी, मुझे हुक्म दिया गया है कि उस नौजवान को देखते ही मौत के घाट उतार दो। हट जाओ मेरे हाथ से। तुम्हारे और उसके दरमियान थोड़ा सा ही फासला है, पहले ये खंजर मेरे सीने में उतार दो, फिर मेरी लाश पर से गुजरकर उसे खत्म कर दो। कुछ हो ही गया है, तभी तो कह रही हूँ मुद्दत के बाद इस दिल में किसी के लिए दर्द जगा है, एक तड़प पैदा हुई है, अपने हाथों से इसे भी कुचल डालो। सलोनी, क्यों आग से खेल रही हो? अब तो ये आग भड़क उठी है, अगर किसी के खून के छींटों से ही आग बुझ सकती है तो फिर ये खून क्यों ना मेरा ही हो? सलोनी, क्या कर रही हो बेटी, पागल हो रही हो क्या? मैं उसे नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा उसे, मैं खुद जुल्म बर्दाश्त करूंगा बेटी, तुम ऐसा ना करो बेटी। बापू, बापू। तुम? हाँ, सलोनी। मगर तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तू? उफ़ो, मुझ पर रहम करो, मैं आगे ही बहुत परेशान हूँ, तुम मुझे और क्यों परेशान करना चाहती हो? देखो सलोनी, देखो। देख तो रही हूँ। तुम जो कुछ भी कर रही हो गलत कर रही हो। फिर? मेरा मतलब है तुम खुद नहीं जानती हो तुम क्या कर रही हो। फिर? फिर क्या, तुम बहुत खूबसूरत हो, हसीन हो, जवान हो, न जाने क्या क्या हो। कहो ना मैं क्या क्या हूँ। हाय, यही तो वक्त है, तुम कहते जाओ और मैं सुनती जाऊं। ओहो, लगता है तुम सचमुच मुझ पर जादू कर दोगे। असर तो होने लगा है, जो थोड़ी बहुत कमी है वो गले में बाहें डालते पूरी हो जाएगी। सलोनी, ये तुम क्या कर रही हो, होश में आओ। हाय, अब सलोनी को होश कहाँ। सलोनी, मंजू। I'm sorry. मैं जरा भैया को देखने चली आई थी। मंजू, आगे कदम बढ़ाने से पहले ये सोच रहा हूँ कहीं तुम्हारा ये कदम तुम्हें मौत बस्ती की तरफ न ले जाए। हट जाओ। हाय रब्बा, हाय, दिल का मेहमान मुझे कहाँ चलम छोड़ के।
मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, वरना। वरना क्या, मेरा भी खून कर दोगे गोपाल? कौन गोपाल? मैं गोपाल नहीं हूँ, मैं कोई गोपाल गोपाल को नहीं जानता। अच्छा, और तुम ये भी कहोगे कि तुमने खून भी नहीं किया और पुलिस के हाथों से फरार भी नहीं हुए और... लेकिन ये सब तुम किस तरह जानती हो? जादू से। सरोगी, तुम मुझे समझने की कोशिश करो, मेरी जिंदगी में बहुत उलझने हैं और तुम... तुम्हारी सब उलझने मैं अपना लूंगी। गोपाल, तुम्हें दुनिया के किसी कोने में पना नहीं मिल सकती, अगर मिल सकती है तो मेरे दिल में, मेरी आंखों में। सलोनी, हम दोनों नदी के दो किनारों की तरह हैं, जो न कभी मिले हैं न मिलेंगे। गोपाल, अरे चंद घड़ियां कोई जानवर भी किसी के पास रह लेता है तो उसे उससे प्यार हो जाता है, और फिर तुम तो इंसान हो। अरे अब खड़े क्या सोच रहे हो, वो तुम्हारे प्रेमी यहां तक आ पहुंचे। इस तरह बुत बने खड़े रहोगे तो वो तुमसे प्यार कर रहे यहां भी आ पहुंचेंगे। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सिंपी, मेरे ही टुकड़ों पर पलकर मुझसे तुम नमक हरामी करोगे, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए सरकार, मैं मजबूर था। ऐसी भी कौन सी मजबूरी थी जिसने तुम्हें हमसे गद्दारी पर आमादा किया? तुम्हें साफ साफ कह दिया गया था कि उस नौजवान की सूरत देखते उसे खत्म कर दो, और वो तुम्हारे शिकंजे में आकर भी निकल गया। इसमें बापू का कोई कसूर नहीं, ये सब तो मैंने। अफसोस तो इस बात का है कि स्मगलिंग के इतने बड़े बड़े केसों में तुमने मेरा साथ दिया और इतनी सी बात में तुमने पीठ दिखा दी, ये जानते हुए कि हमसे गद्दारी का अंजाम मौत है। नहीं नहीं हुजूर, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बापू बेकसूर है। अगर आप सजा देना चाहते हैं तो मुझे दीजिए, मेरी जान ले लीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बापू को माफ कर दीजिए, मैं आपके पास। तुम्हें जान बचाने का मौका देता हूं, अगर सूजी का निशाना खता हो गया तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। आओ भागो, भागो। अब इस लाश पर तुम्हारा कोई हक नहीं, इसे आखिरी मंजिल तक पहुंचाना हमारा काम है। इतना साथ दिया इसने हमारा, हमारा भी तो कोई फर्ज है। मत रो सलोनी, मत रो। मैं ऊपर वाले की कसम खाती हूँ, अपने बापू का खून इस तरह से बेकार नहीं जाने दूंगी। तकदीर के चक्कर के बारे में सोच रहा हूँ, मेरी भी क्या तकदीर है, तकदीर समझ में आती है, चक्कर समझ में नहीं आता, और जब चक्कर समझ में आता है तो तकदीर तकदीर समझ में नहीं आती। लेकिन तुम क्या सोच रही? मैं सोच रही थी बॉस को अभी तक आ जाना चाहिए था, बहुत देर हो गई। बहुत देर है कि मैं सोच रहा था तुम मेरे बारे में सोच रही हो। अरे पगली, जो दूर है उनका फिक्र छोड़ो, जो पास है उनका जिक्र। हेलो भाई साहब। हाँ बहन जी, आई एम सॉरी। कौन है? कौन है आप बता सकते हैं? इस वक्त कोई ट्रेन? अरे मैं आदमी हूँ, कोई टाइम टेबल नहीं हूँ। चलो अपनी दू 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 दुकान बढ़ाओ यहाँ से। इससे पहले कि वो लोग यहाँ पहुँच जाएं, क्यों ना हम इस मालगाड़ी से निकल चलें। आओ देखो, या तो तुम सोचना छोड़ दो, नहीं तो मैं जिंदगी छोड़ देता हूँ। नॉट ए बैड आइडिया।
ठीक है, अभी मालगाड़ी आने वाली है, मैं सर पे जाके पटरी रख देता हूँ। कहाँ जा रहे हो? नहीं, मैं तो जरा घूमने जा रहा था। तुमने किसी अजनबी को देखा है? अजनबी अजनबी तो नहीं जी, वो एक 6 फुट का, एक 6.25 फुट का, एक 4 फुट का, एक लंबा, एक खूबसूरत और एक नौजवान लड़की। या लड़की, वो लोग रास्ता पूछ रहे थे, मैंने उन्हें रास्ते लगा दिया है। किस तरफ गए हैं? यही तो आपकी मुसीबत है, आपने आने वालों के ऊपर नजर रखने के लिए बोला था, जाने वालों के ऊपर थोड़ी। और फिर मेरी नजर तो सामने ही सामने थी, ना इधर थी ना उधर थी। उल्लू का पट्टा, आपका बच्चा हूं मैं। तलाश करो, वो यही कहीं होंगे। कि हम इस ट्रेन में। भैया, ये लोग तो मौत की तरह हमारे पीछे पड़ गए। भूलती हो, मौत तो हमारे साथ सफर कर रही है। मक्खन, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये सफर खत्म नहीं होगा। अगर हम सही सलामत पंजिम तक पहुंच गए तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि रफ्तार कम हो गई, शायद कोई स्टेशन आने वाला है। भैया, वो लोग हमसे पहले स्टेशन पहुंच जाएंगे, हमें यहीं से कूद जाना चाहिए। नहीं मंजू, तुम अभी कमजोर हो। मगर भैया। नहीं, तुम यहीं रहो। कोई स्टेशन नहीं है, लाइन पर मजदूर काम कर रहे हैं, इसलिए गाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ गई। गाड़ी पंचर होने से छक्के के बच्चे, जल्दी करो। लगता है लोगों की कार का पहिया पंक्चर हो गया, और अगर हमारी गाड़ी अगले स्टेशन पर ज्यादा देर ना रुकी तो फिर ये लोग हमें नहीं पकड़ सकेंगे। हेलो हेलो, अनियन पार्टी। यस स्पीकिंग। यस मूसा स्पीकिंग। देखो, हम लोग गोपाल और उसके साथियों का पीछा कर रहे हैं, वो लोग मालगाड़ी में फरार हैं, लेकिन मालगाड़ी हमसे आगे निकल चुकी है, वो लोग तुम्हारे इलाके से बचकर निकलने ना पाए।
शायद तुम्हारे भैया स्टेशन पर ही रह गए। अब क्या होगा? होगा क्या, अगले स्टेशन पर उतरकर इंतजार करना होगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ हाँ, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मेरी ये समझ में नहीं आता कि क्या करूं क्या करूं। इतना चिल्ला क्यों रहे हो? कौन जाने मेरी तकदीर में क्या लिखा है, मगर इतना जरूर जानता हूं कि जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, कोई हाथ नहीं है मंजू। मैं तो खुद एक भूल भुलैया में फंस कर रह गया हूं, जहां से निकलने की हजार बार कोशिश करता हूं और हर बार एक नई दीवार मेरे सामने आ जाती है। उधर क्यों खड़े हो, यहां आ जाओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। किससे? मुझसे? तुमसे नहीं, तुम्हारी इन आंखों से। अभी तुम इतनी जोर जोर से बोल रहे थे ना, एक एक पल में तुम्हारी इन आंखों का रंग बदल रहा था। मंजू, मैं अभी तक तुम्हें समझ नहीं सका कि तुम किसी बात को सीरियस क्यों नहीं लेती हो। गोपाल, नीचे देख रहे हो क्या है? क्या है? जमीन है, पुल है और नदी है। और नदी में कितना पानी है, फिर भी तुम प्यासी हो। मैं प्यास की बात नहीं कर रही हूँ, गहराई की बात कर रही हूँ। कौन जाने ये नदी कितनी गहरी है, किसने कोशिश की है ये जानने की। वो लोग हमसे पहले स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। जानता हूं। अब क्या होगा? क्या होगा, पहले हम तीन थे, फिर दो रह गए थे, अब सिर्फ एक रह जाएगा। जो दो रह गए थे वो दोनों मिलकर क्या एक नहीं हो सकते? फिर कोई नहीं रह जाएगा। मंजू, मंजू गोपाल, ओ मंजू। जरूर कहीं रास्ते में उतर गए हैं, रात होने वाली है, वो सुबह तक इस जंगल में छुपे रहेंगे। जंगल का कोना कोना छान डालो, और तुम बिली को लेकर रेल की पटरी पटरी जाकर उन्हें तलाश करो, और तुम जीप लेकर जंगल में घुस जाओ इससे पहले कि वो जंगल से बाहर निकले। उनके टुकड़े टुकड़े कर दो। लकड़ियां तो इकट्ठी हो गई हैं। बहुत सर्दी लग रही है, मेरी तो जान ही निकली जा रही है। गोपाल, उन गुंडों से तो शायद बच जाए, मगर लगता है रात को इस सर्दी से करकर जरूर मर जाएंगे। ऐसा ना कहो मंजू, अब तो हम लोगों की नई जिंदगी शुरू हुई है, अब तो जीने की एक नई तमन्ना पैदा हुई है। और तुम मौत की बातें कर रही हो पगली, तुमसे पहले तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ऐसे अच्छा लग रहा है, अब आग की जरूरत नहीं। सच? रात भी सर्द है, आज दिल में दर्द है। रात भी सर्द है, आज दिल में दर्द है। थर थरों में बहती जाऊं मैं, जान ले आज मुझको जान क्या हुआ है। रात भी सर्द है, आज दिल में दर्द है। थर थरों में बहती जाऊं मैं, जान ले कि आज मुझको जान क्या हुआ है। रात भी सर्द है। Yeah.
क्यों झुका ली तुमने? जरा नजर मिलाकर तो पूछो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए है ही क्या? क्या नहीं है तुम्हारे पास? क्या चाहते हो तुम? जब से हमारी मुलाकात हुई है, पहली बार महसूस हुआ कि तुम शर्मा भी सकती हो। तुम सचमुच बहुत चालाक हो। तुम्हें तो इनाम की बजाय सजा देनी चाहिए। बच्चू, तुम मेरी बाहों में हो, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, न इनाम न सजा। मंजू, अभी लाता हूँ। तुमने बोल बोल के इतना बोर कर दिया है,
कि मेरे बोलने के लिए कुछ रहा ही नहीं। क्या हुआ? वो देखो, शायद किसी ने खुदकुशी कर ली। चलो चलकर देखें। चलो संभाल के, संभाल के। हाँ संभालता हूँ। चलो अब अपनी पैंट संभालो तुम। चुप रहो, बकवास मत करो। नहीं नहीं करता मैं, ये तो कोई कन्या है। अभी तक तो जिंदा है। देखो अलग हटो, शर्म नहीं आती? मारती क्यों? चलो इसे किसी डॉक्टर के पास ले चलो, वरना ये कभी मर जाएगी। हाँ। लेकिन वो बॉस, अब आज को मारो गोली, अभी उठाओ उठाओ जल्दी से। हाँ। उठाओ उठाओ उठाओ। हाँ। यार बहुत दाई है। कहां तक भागते रहोगे, कब तक बचते रहोगे? बरखुरदार, जितना तुम भागने की कोशिश कर रहे हो उतना ही तुम गंगाराम के करीब आते जा रहे हो। लेकिन तुम क्यों हर कदम पर मेरा पीछा कर रहे हो? तुम जहां जहां जाओगे मुझे अपने साथ पाओगे। और फिर याद रहे, मुझे तो तुम्हारी मौत की सरहद तक तुम्हारे साथ जाना है। भागे फिर रहे हो, आ गए ना फिर सलोनी के पास। देखो सलोनी, मेरी जान खतरे में है, वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे थोड़ी देर के लिए कहीं छुपा लो। सच? चलो। बाबू एक बात पूछूं, तू हमेशा थोड़ी देर की ही बात क्यों करता है? मैं तो तुझे हमेशा हमेशा के लिए इस दिल में छुपा लेना चाहती थी, पर तू बड़ा बेवफा निकला। इस दिल में पहली बार मोहब्बत की किरण फूटी थी तो तूने इस दिल के ही टुकड़े टुकड़े कर दिए। मुझे ठुकरा कर चला गया। प्यार का ये मतलब तो नहीं होता सलोनी कि इंसान जिसे चाहे उसे पाले। अच्छा, और अगर तुम यही समझती हो फिर तुमने प्यार को समझा ही नहीं। अरे तो तूने भी मुझे कहाँ समझा है? तुम समझते हो मैं तुम्हें जाने दूंगी? हाँ, अरे कब तक आजमाते रहोगे? तुम इस खतरे की बात करते हो, मैं तुम्हारी खातिर तो हजार खतरों से टक्कर ले सकती हूँ। अरे बाबू, मैंने तुझसे प्यार किया है, कोई मजाक नहीं। याद रख, मैं अपने जीते जी तुझ पर कभी आँच नहीं आने दूंगी। न जाने मंजू कहाँ है। घबराओ नहीं बेटी, लेटी रहो। लेकिन मैं कहाँ हूँ? आप कौन हैं? मैं डॉक्टर लतीफ हूँ। इस वक्त तुम मेरे घर पे हो बेटी, डरने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। शबराती, क्या हुक्म है डॉक्टर साहब? होश आ गया जनाब को? क्या नूरानी चेहरा। शबराती बातें कम किया करो, जाओ इन्हें अंदर ले जाओ और इनके कपड़े बदलवा दो, मैं बाहर इंतजार करता हूँ। आइए, आपके कपड़े भी बदला दूं और आपको नहला भी दूं। आप मुझे ले लेंगे? नहीं नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अजी हमसे शर्मा गए, हम तो वो हैं। सोना था? अभी अभी एक आदमी भाग कर यहाँ आया है, तुम लोगों ने देखा है? देखा है। हाय हाय, बहुत बेवफा है, तुम्हारा भी कुछ लूट कर ले गया है क्या? कहाँ है वो? यही तो खराबी है उसमें,
पास रहकर भी बहुत दूर रहता है वो। क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो? यहाँ कोई नहीं आया, कहीं और जाके तलाश करो। क्या रे उस्ताद, प्यारे नाराज क्यों होते हो? जाते जाते हाथ तो मिलाते जाओ। चमक चलो, बहुत दिन से मुंदरी के लिए जिद कर रही थी। ये ले। बाप का माल है ना, बहुत फजूल खर्च हो गया है तू। गधा कहीं का। बस यही बुरी आदत है मुझ में, दिल की बात दिल में रहती ही नहीं। फिर वही दिल की बात। ले बाबू जा, आज तुझसे एक वादा किया, अब कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। सलोनी, तुम मुझसे प्यार कर या ना कर तेरी मर्जी, लेकिन हम खाना बदोश जिससे प्यार करते हैं उसके लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं बाबू। लेकिन लेकिन हाँ बाबू, वो तुम्हारी खूबसूरत सी लड़की कहाँ है? मैं उसे डॉक्टर लतीफ के घर छोड़ आया। इडियट, उल्लू। आप क्यों इतनी तारीफ कर रहे हैं? मैं इस काबिल नहीं हूं। खड़ा। डॉक्टर लतीफ। क्यों बाबू, अब बता, कोई पहचान सकेगा तुम्हें? चलो। लेकिन सलोनी, हम लोग जाएंगे कहाँ? कहा ना मेले में, हम तमाशा दिखाएंगे, तुम देखना। तुम इन लोगों के साथ? मंजू कहाँ है? मंजू बोलते तुम्हें, कहाँ है मंजू? मंजू एक एक्सीडेंट में जख्मी हो गई थी, मैं पानी लेने गया, जब वापस आया तो गायब थी। मंजू गायब थी और तुम उसको तलाश करने की बजाय इन खानाबदोशों के साथ हो गए? तुम भूल गए कि हमने तुम्हारी खातिर कितनी मुसीबतें उठाई है, और वक्त आने पर मेरी बहन को मुसीबत में अकेला छोड़कर तुम भाग गए? उस दिन मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, और अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा। मंजू वो लड़की है ना, वो दुबली पतली सी, वो चार फुट को कुछ, जो आप लोगों के साथ में थी। तुम उसे जानते हो? जानता हूँ। लेकिन अगर आप मुझे नो 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 नौकरी देने का वादा करें तो मैं आपको डॉक्टर लतीफ का घर भी बता सकता हूँ जहाँ मैं उसे छोड़ के आया हूँ। ये बाबा बॉस की गाड़ी, और जिस सामने रहा डॉक्टर लतीफ का मकान। करो बता दो वो लोग कहाँ हैं? मैं कह चुकी हूँ मैं कुछ नहीं जानती। मेरी जबान तुम्हारी समझ में नहीं आती, शायद इसकी जबान समझ सको। बोलो। मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे तुम पर तरस आता है, इतनी खूबसूरत कली को मैं कैसे मसल दूं? मैं इतना जालिम तो नहीं हूं, हाँ, मगर ये तुम्हारी खूबसूरत आंखें, ये निकाल दूंगा, ये रस भरे होठ, इन्हें काट डालूंगा। आंखें बंद करने के बाद तो तुम और भी खूबसूरत लगती हो, और खूबसूरती मेरी कमजोरी है। मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ, क्यों मेरी गोलियां जाया करती हो? 3 सेकंड में बोलना पड़ेगा। कुंदन, you
सलोनी, क्या देख रही है? अब क्या देखना है? खेल, खेल तो खत्म हो गया, खत्म हो गया। चलो। टायर तो पंक्चर है। चार्ज कब नहीं लेकर आओ? जल्दी लेकर आओ। नहीं है, नहीं है स्टेपनी। ये टायर आपने पंक्चर किया है। स्टेपनी कहाँ है? पहले नौकरी स्टेपनी। उल्लू के पट्टे, वो लोग बहुत दूर निकल जाएंगे, पहले स्टेपनी। नहीं कदर। स्टेपनी, नौकरी मिलेगी, माफी मिलेगी, स्टेपनी मिलेगी। स्टेपनी, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। अब नौकरी पक्की। अबे पहिया लगा इडियट। अबे लगाता हूँ। तू लोग यहाँ कैसे? चल अच्छा हो गया मिल गया तू। जल्दी कर मंजू, जल्दी चलो। चल मंजू, जल्दी कर। बाबू क्या हुआ? अरे अरे जल्दी कर बाबू, जल्दी करो बाबू, जल्दी कर। ठहरो यार, वो लोग आ रहे हैं। अरे तू ठहर तो सही। ये हमारा पुराना ड्राइवर मामदू है। इडियट को ये नहीं मालूम कि हम उसका पीछा कर रहे हैं। धुएं से घबरा गए। चलो चलो जल्दी करो। हाँ हाँ भगाओ। जल्दी नंदू, आप क्या हुआ? तू ठहर यार। खराब हो गई है, हम लोगों को यहां से खुद जाना चाहिए। वो लोग आ गए, वो लोग आ गए। अरे ममतू आप क्या करें? जल्दी करें बता। एक मिनट है, जल्दी। काला मुंह करके मेरे सामने चले आए हो, तबाह हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। इतना मामूली सा काम तुमसे नहीं हो सका? मुझे तुम लोगों की नियत पर शक है। नमक हराम कहीं के। सुनाओ, आपने मुझे कुछ कहा बस? हाँ, तुमसे कहा। हम तुम्हें एक मौका और देते हैं ताकि तुम साबित कर सको कि तुम कितने बहादुर हो। आप हुक्म कीजिए, मैं अब अपनी जान दे सकता हूं। जान देने की नहीं, जान लेने की बात है। तुम लोगों से काफी घुल मिल चुके हो, वो तुम्हें अपना दोस्त समझते हैं, तुम पर भरोसा करते हैं। तुम उन्हें तलाश करो और पंचम के सरहद में दाखिल होने से पहले खत्म कर दो। ब, 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 बस इतनी सी बात, मैं अभी जा। तुम उन्हें ढूंढोगे कहां?
अकल बॉस ब्रेन 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 आजकल मैंने अपने भेजे का ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ठीक है, मैं अपने ठिकाने पंचम जा रहा हूँ। कुंदन और मूसा तुम्हारे साथ जाएंगे। काम खत्म करने के बाद तुम इनके साथ आ जाना। और अगर नाकाम लौटे तो यही लोग रास्ते में तुझे खत्म कर देंगे, समझे? एक बात पूछो बॉस। पूछो। बुरा तो नहीं मानेंगे? बोलो। शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, जरा शेकहैंड तो कर लीजिए। मैं वचन देता हूँ, घबराते क्यों हो? पंजम ही पहुँचना है ना, पहुँच जाओगे। मगर चाचा वो ट्रक। ट्रक एक नहीं दस मिल जाएंगे, मगर ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। बैसाखी का मेला है, कपड़ों का बंदोबस्त मैं किए देता हूँ। क्या मजाल जो तुम्हें कोई पहचान जाए, बस घुस जाओ मेले में। मैंने अपनी आंखों से देखा है वो उस मेले में मौजूद, मगर न जाने कहां घूम गए। वैसे मूसा उन्हें खत्म करने का इससे अच्छा मौका और हाथ नहीं आएगा। पागल हो गए हो क्या? अगर मेले में गोली चलाओगे तो कुत्ते की मौत मारे जाओगे। राइट, मेले में गोली चलाना सरासर खतरा है। ए इस तरह सिगरेट से गुब्बारा फटने का धमाका, और गुब्बारा फटने के धमाके में हमारी गोली का धमाका। इस तरह से किसी को पता भी नहीं चलेगा और गोपाल का भी खात्मा हो जाएगा। नजर मिलाऊं, हाय, हाय, राज
रातों के तारे मैं तुझको दिन में ही दिखलाऊं, हाय निमादी कबूतरिए तुझे हाथों पे चोगा चुगाऊं, निमादी कबूतरिए तुझे हाथों पे चोगा चुगाऊं, निमादी कबूतरिए हाय मत आई होए, होए सूरज जैसी चढ़ी जवानी खा खा रोज मलाई होए अच्छाई ये तो गली गली पे गली पे गली पे छाई के लाठी मेरी जोधपुर की जहाँ चल गई कयामत आई लाठी मेरी जोधपुर की जहाँ चल गई कयामत आई के लाठी मेरी जोधपुर की आए धमाके हुए कोई और किसी का जोगी और तेरे पीछे मर जाऊंगी पर तुझको खबर ना होगी और तेरे पीछे मर जाऊंगी पर तुझको खबर ना होगी मैं तेरे पीछे मर जाऊंगी पर तुझको खबर ना होगी मैं तेरे पीछे मर जाऊंगी पर तुझको खबर ना होगी मैं तेरे पीछे मर जाऊंगी हाय मौत की सरहद पे खड़ी हूँ
मेरी मेरी मौत कितनी आसान कर दी मेरे सलोनी सलोनी सलोनी। बाबू आखिर तुमने सलोनी की जान ले ही ली ना, चले जाओ यहां से, अब तुम्हारा इस लाश पर कोई हक नहीं। मैं कहता चल जाओ यहां से। सलोनी सलोनी बरखुरदार, मैंने कहा था ना कि तुम दुनिया की हर मुसीबत से बच सकते हो मगर गंगाराम की दी मौत से नहीं बच सकते। उसका साया दुनिया के आखिरी सिरे तक तुम्हारा पीछा करेगा। नहीं, मैं सच कहता हूं कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूं, मैंने किसी का खून नहीं किया। अगर आपको यकीन नहीं आता तो बुलाइए गंगाराम को, अगर वो मुझे मान नहीं चाहता है तो आज उसका सामना हो जाए। बुलाओ गंगाराम को, बुलाओ गंगाराम को, बुलाओ, कहां है वो, बुलाओ उसको। चिल्ला क्यों रहे हो? मेरा नाम है गंगाराम। हाँ, मुझे ही गंगाराम कहते हैं। और पूरे सफर में तुम मेरे साथ ही थे? तुमको हिफाजत से बचा कर लाना ही तो मेरी चाल थी। चाल? मगर क्यों? इसलिए कि मैं जानता हूं कि तुम बेकसूर हो। मेरे छोटे भाई का खून तुम्हारे हाथों नहीं हुआ, मगर तुम्हें सामने रखकर हम असली कातिल को पकड़ना चाहते थे। हम और ये है चीफ इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर मिस्टर आयर, और ये है सीआईडी इंस्पेक्टर मिस्टर गुप्ता, ये है हेड कांस्टेबल मोहम्मद अजीज। इन्हें तो तुम पहचानते ही हो, तुम इनकी वजह से ही पुलिस वैन से भागने में कामयाब हुए। आयर साहब ने तुम्हें जानबूझकर हवालात में ये पैगाम दिया था कि तुम्हारे हाथों गंगाराम के छोटे भाई का खून हुआ है। गंगाराम एक टेरर है, गंगाराम एक ताकत है। इन्होंने तुम्हारे दिल पर गंगाराम के नाम की दहशत इस कदर बिठा दी थी, तुम्हारी रूह गंगाराम के नाम से कांपने लगी। हालांकि गंगाराम नहीं भैया, एक गंगा सिंह मामूली सा ट्रक ड्राइवर जो कि सीधा साधा आदमी। एक दिन मैं अपना ट्रक लेकर पंजिम जा रहा था। बीबी क्या बात है? हमारी गाड़ी खराब है, कुछ सामान है, पंजिम पहुंचाना है, पहुंचा सकोगे? बीबी हमारा यही काम है, सामान कहाँ है? देखे मैं ड्राइवर, देखे खोलो। निकालो दीपक। भैया पेटी तो काफी भारी है। वाकई बिस्किट हैं, आदमियों के खाने के तो नहीं लगते, कुत्तों के खाने के। मुझे मालूम नहीं था कि वो बिस्कुटों की पेटियां नहीं बल्कि सोने के टुकड़ों की पेटियां थी, और वो लोग बड़े खतरनाक स्मगलर थे। इस बात का मुझे उस वक्त पता चला जबकि मेरा ट्रक थोड़ी दूर चला गया और तेज चलाओ, और तेज चलाओ। जवाब सवाल नहीं, अगर ट्रक को रोकने की कोशिश की तो दोनों को खत्म कर दिया जाएगा, सुना? मैं पकड़ा गया। पुलिस ने मुझसे हर तरह से पूछने की कोशिश की लेकिन मैं कुछ जानता तो बताता। और एक दिन अचानक मेरा भाई मुझसे हवालात में मिलने आया। क्या वो लोग? बोलो भैया, मैं अभी तक उन लोगों की कैद में था, उन लोगों ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। कल कोर्ट में तुम्हारा केस है। उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर तुमने कोर्ट में जुबान खोली तो क्या? भैया वो लोग बड़े जालिम हैं, मगर उन लोगों ने मुझसे वादा किया है अगर तुम अपनी जुबान बंद रखोगे तो वो लोग हमें मालामाल कर देंगे। सोचो भैया, वो लोग हमें कितनी दौलत देंगे। हम एक नहीं 20 ट्रक खरीद सकेंगे, मंजू की शादी भी धूमधाम से करेंगे, लाखों में खेलेंगे भैया, लाखों में।
ये तुम कह रहे हो? मुझे शक हो रहा है कि तुम मेरे भाई हो। भैया तुम मेरे भाई नहीं हो, वरना ये बात तुम्हारी जबान पर ना आती कि मैं अपने देश के साथ गद्दारी करूं। पैसे के लालच में तुम अपना धर्म ईमान बेच सकते हो, मैं नहीं। मैं ठेला खींच खींच कर अपनी सारी जिंदगी बिता दूंगा। मुझे ये भी मंजूर है कि मेरी बहन सारी उम्र कमारी रहे, मगर मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं कि मैं देशद्रोहियों का साथ दूं, स्मगलरों का साथ दूं। उनसे कह देना कि मैं एक एक की शक्ल से वाकिफ हूं, और अगर वो मेरे सामने आए तो मैं उन्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ाने से नहीं हटूंगा। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? मैं लालच में बह गया था, सोने की चमक ने मुझे अंधा कर दिया था। अब तुम जो चाहोगे वही होगा, वही होगा भैया। दीपक, मेरे भाई दीपक। हाँ भैया। दूसरे दिन जेल में मुझे मेरे भाई की मौत की खबर मिली। उसे एक अधूरी इमारत में एक लड़की के साथ ले जाया गया और उसे वहां कत्ल कर दिया गया। जिसका इल्जाम मुझ पर है? हाँ, इस कत्ल ने मेरी आंखें खोली। मैंने चीफ इंस्पेक्टर इंटेलिजेंस मिस्टर आयर को सब कुछ बता दिया। मेरे भाई की मौत के बाद मेरी मासूम बहन की जिंदगी खतरे में थी। मैंने पुलिस से कहा कि वो मुझे छोड़ दे तो मैं असली कातिल का पता लगा सकता हूँ और उस छिपे हुए सोने को तलाश कर सकता हूँ। मुझे छोड़ दिया गया और तुम्हें पुलिस वैन से जानबूझकर भागने दिया। मुझे यह भी मालूम था कि तुम एक ऐसे आदमी हो जो अचानक कत्ल की जगह पर पहुंच गए थे और तुमने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। वो तुम्हें खत्म करने के लिए तुम्हारा पीछा करेंगे और तुम्हारा पीछा करते करते आज उन्हें यहां पंजम की सरहद तक ले आया, यहां वो सोना छिपा हुआ है। अच्छा, अब मैं समझा। मगर मंजू कहां है? सर, वो लोग मंजू को पुर्तगालियों के पुराने किले में लेकर गए। मैं उन्हें अपनी आंखों से देखकर आया। वेरी गुड। हम लोग वहां पहले पहुंचे और पुलिस को लेकर पहुंचाइए। आप मिस्टर गुप्ता को अपने साथ ले जाइए, ये उनके साथ रह चुके हैं, वक्त काम आएंगे। इंस्पेक्टर गुप्ता, हमें जल्दी जाना चाहिए, न जाने मंजू पर क्या बीत रही होगी। तुम यहीं रहोगी हमारी कैद में, समझी? यह है वो जगह जहां हम मंजू को ले गए। ठहरो, तुम लोग यहीं रुको, मैं वहां जाता हूं, वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। मैं उन्हें बातों में लगाऊंगा, तुम भी मेरा इशारा पाती आता, मैं चला। पत्थर अरे भाई, गए थे हमारे लिए, क्या लाए? मैं बताता हूं। ये देखो फोटू। पता चल गया है तुम पुलिस के आदमी हो। पता चल गया ना, तो अब तुम इस गिरोह का साथ छोड़ो, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा जो इन सबका हुआ। और हमारा साथ दो, मैं कोशिश करूंगा तुम्हें पुलिस से ही बचा सकूं। प्रॉमिस। चलो ऊपर चढ़। चलो।
दरवाजे सब बंद है, चलो। हल काम करती है खुद, मान जा। लड़कियों को मारना आपको शोभा नहीं देता, ये पिस्तौल मुझे दे दो। मुझे भी इससे काफी हिसाब किताब चुकाना है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। डोंट बी सिली, ये मजाक का वक्त नहीं है रेखा। मजाक तो आज तक तुम करते रहे, पहले सुजी के साथ गुल खिलाए, फिर मुझसे शादी करके फॉरेन जाने के वादे किए। अब इस लड़की की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? तुम जैसे नीच कमीने को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। शूटर, शूटर आई सेड। बहुत लंबी जबान हो गई है तेरी। मैं तुझे ऐसे मारूंगा जैसे बिल्ली कबूतर को मारती है। नहीं, मैं तुम्हें यूं मरने नहीं दूंगा। थोड़े से सांस और ले लो, थोड़े से, बस बस। का अंजाम यही हमारा कानून है, और हमारे कानून में हमेशा ऐसा ही होता है। मान क्या हूँ, तुम मन्यू को लेकर भाग जाओ। मैं कहता हूं तुम भाग जाओ, मैं इनको संभाल लूंगा। Thank you.
भी मेरे हाथ है। लाओ ये चुपचाप इस लड़की को मेरे हवाले कर दो, वरना मेरे पास वक्त बहुत कम है। जल्दी फैसला कर लो, 3 गिनूंगा, उसके बाद तुम्हारा फैसला हो जाएगा। वन, टू। भैया 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 मंदू भैया गोपाल भैया ब्रावो ब्रावो वेल डन मिस्टर गंगा सिंह। आज तुम्हारी मदद से करोड़ रुपए के सोने पर हमने कब्जा पा लिया और इस ग्रोह के तमाम बदमाश भी हमने गिरफ्तार कर लिए हैं। सिर्फ ये बाकी रह गया था। मुझे खुशी है इंस्पेक्टर साहब कि मैंने अपना फर्ज अदा किया। पूरे सोने की कीमत 1 करोड़ रुपए लगाई गई है। गंगा सिंह, हुकूमत की तरफ से यह 10 लाख रुपए का चेक तुम्हें इनाम दिया जा रहा है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई की वजह से इस गैंग को हम तबाह कर सके, हुकूमत तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार है। लो। नहीं साहब, ये जो कुछ भी हुआ है गोपाल की वजह से हुआ है, और सच पूछे तो गोपाल ही इसका हकदार है। मिस्टर गोपाल, ये रहा आपका गोल्ड मेडल। आप इस गोल्ड मेडल को भी इन्हें दे दीजिए, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। मेरी जाने चमन, दिल रुबा शोला बदन, तू नजर में समा गई तो दिल बना लूंगा, गले लग जा मेरी जल परी, मैं यूं शर्मा मेरी।